हेलो गाइस, जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा दोस्तों, ग्रेनेडियर ग्रेनेडियर गाइस काफ़ी टाइटल होते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रो करा देता हूँ, ग्रेनेडियर होता क्या है। आप यहाँ पे सीजन में जाके रीजन पे क्लिक करते हैं ना, तो देन यहाँ पे कुछ विंस दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट साइड ऊपर सोलो विंस दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप इसको चेंज करके यहाँ पे काफ़ी कुछ दे रखा है, डुओ विंस, स्क्वाड विन, टर्मिनेटर। तो यहाँ पे दोस्तों आज मैं कवर करने जा रहा हूँ ग्रेनेडियर। सो गाइस, कवर करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ दिखा देता हूँ। जैसा कि ग्रेनेडियर में अभी मेरी 73 रैंक चल रही है और मेरे को टाइटल भी मिल रखा है ग्रेनेडियर का। लेट आई सी, वेट अ मिनट गाइस। सो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है गाइस, ये रही आईडी और ग्रेनेडियर में मेरी इंडिया का है 73 रैंक चल रही है और मेरे को टाइटल भी मिल चुका है आज, बिकॉज आज मंडे है। सो मैंने सोचा आपको भी बता देता हूँ। सो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो में सब कुछ मैं बताऊँगा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और दोस्तों एक स्पेशल ट्रिक बताऊँगा। वो ट्रिक यूज़ करके दोस्तों आप इंडिया के, जी हाँ गाइस, इंडिया के फ्लैग या फिर इंडिया रीजन में ग्रेनेडियर टाइटल ईजिली कलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और नहीं हुआ गाइस तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, वीडियो को डिसलाइक मार देना। लेकिन गाइस, जो ट्रिक बताऊँगा ना, काफ़ी लेजिट ट्रिक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, गारंटी मेरी साइड से। सो गाइस, चलिए आपका टाइम बिना बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सो गाइस, चलो फर्स्ट थिंग गाइस, आपको ग्रेनेडियर करने के लिए चाहिए क्या। ग्रेनेडियर करने के लिए दोस्तों आपको सिर्फ चाहिए ग्रेनेड चाहिए। सो ग्रेनेडियर में होता क्या है गाइस, आपको जो किल्स करने होते हैं ना, वो ग्रेनेड से करने होते हैं। सो गाइस, फर्स्टली मैं आपको बता देता हूँ कि आपको टाइटल कैसे लेना है, बिकॉज कई लोग क्या करते हैं, रैंक ला के छोड़ देते हैं, फिर उन्हें नेक्स्ट मंडे को टाइटल नहीं मिलता। सो फर्स्ट थिंग मैं कवर करने जा रहा हूँ कि जो टाइटल होता है ना गाइस, वो कितने दिन तक, मतलब रैंक रखने पे मिलता है। सो जो भी गाइस आपकी रैंक होगी ना, वो जब आपकी टॉप 100 में आ जाएगी, ठीक है, जब टॉप 100 में आ जाएगी, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट मंडे आएगा ना, जैसे आज मंडे है, आज से अगर आप रैंक बनाना शुरू कर रहे हो एंड आपकी संडे नाइट तक, ठीक है गाइस, संडे नाइट तक टॉप 100 में रैंक रहती है, सो देन मंडे को, नेक्स्ट मंडे को जितनी रैंक आपकी रहेगी ना गाइस, उस रैंक के हिसाब से आपको टाइटल मिल जाएगा। जैसा कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ गाइस, वेट अ मिनट, मेरी रैंक थी 73 और जैसा कि आपको दिख रहा होगा दोस्तों ऊपर ग्रेनेडियर #73 का टाइटल मिल गया, बिकॉज मैंने मंडे की सुबह तक, मतलब नेक्स्ट मंडे, मतलब आज नेक्स्ट मंडे हुआ ना मेरे लिए, सो आज सुबह तक मैंने 73 मेंटेन करके रखी, इसीलिए मेरे को ये टाइटल मिल गया #73। और बाय द वे, अगर आपकी रैंक थोड़ी गिरती है 74, इन केस 99 भी चल जाती, 100th भी चले जाती है गाइस, तब भी आपको टाइटल मिल जाएगा, बस आपको टॉप 100 में स्टे करना है। और गाइस, आपको भी पता है इंडिया के टाइटल के लिए कितना क्रेज़ रहता है। सो गाइस, मैं सिर्फ आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने के लिए तो नहीं आया हूँ, आपको कुछ एक बहुत स्पेशल ट्रिक बताने जा रहा हूँ गाइस। सो गाइस, ये वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है गाइस, तो ट्रिक सुनने के बाद तो दोस्तों आप लाइक कर ही देना, बिकॉज ये ट्रिक काफ़ी औसम है गाइस, इससे आपको बहुत आसानी होगी ग्रेनेडियर टाइटल कलेक्ट करने में। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कितने किल्स हैं अभी इस आईडी से ग्रेनेडियर में। लेट आई चेक एंड आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा गाइस, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा कि यहाँ पे दिखा रहा है 179। सो गाइस, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना गाइस, जो सबसे ऊपर बंदा है 3806 किल कर रखे। सो गाइस, आपको क्या लगता है, इन्होंने ESP लगा रखी है या फिर ये हैकर हैं? सो गाइस, यहाँ पे सभी बंदे एक सिंपल सी कॉमन सी ट्रिक है, इसको फॉलो करते हैं। एंड गाइस, मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर कर देना ये ट्रिक सुनने के बाद। सो गाइस, चलो अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। सो आपको कुछ नहीं करना गाइस, आपको तीन बंदे खोजने हैं अपने ही टीम के। हाँ गाइस, अपने ही टीम के, मतलब स्क्वाड होती है तो एक तो आप रहोगे, बाकी के तीन। सो आपको करना क्या है, ग्रेनेड लेके, हाँ गाइस, ग्रेनेड लेके अपने ही बंदों को उड़ा देना है। जी गाइस, एकदम सही सुन रहे हैं आप, इतने कितने लोग तो कहेंगे अरे पागल हो गया क्या। नहीं गाइस, आप ये करके देखना, मैं झूठ नहीं कह रहा। अगर किल ना मिले तो वीडियो पे आके कमेंट करना, गाली देना या फिर वीडियो को डिसलाइक करना, चैनल को रिपोर्ट मारना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप करके देखना, पर मैच आपके ऐसे ग्रेनेड के तीन किल्स हो जाएंगे। सो आप अगर स्क्वाड TPP में नहीं करना चाहते तो आप स्क्वाड FPP में भी कर सकते हैं दोस्तों, टीयर डजंट मैटर, ठीक है।
आप स्कॉट FPP में भी जाके ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। आप हर मैच में फटाफट जाओ, एक ग्रेनेड खोजो, अपने पूरा ग्रेनेड को लेके मतलब फट जाओ, साथ में फट जाओ। ये नहीं कि ग्रेनेड फेंक के नॉक फिनिश करो, एक ग्रेनेड लेके सबके साथ खुद भी फट जाओ, मतलब खुद भी मर जाओ, ठीक है। मतलब कुछ नहीं करना, आपको ज़मीन पे उतरना, एक ग्रेनेड खोजना है, ग्रेनेड की पिन खींचे रखना है और चारों बंदे मतलब साथ में आके फट जाना है। और जिसको टाइटन चाहिए मतलब जिसको ग्रेनेड का किल चाहिए, ग्रेनेड उसी बंदे ने फोड़ना है, ठीक है गाइस। सो आई होप सो गाइस आपको ट्रिक भी समझ आ गई होगी। एंड वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो गाइस कर देना, अगर अभी भी आपको लगता है कि ये ट्रिक काम नहीं करेगी तो आप एक बार करके देखना, और ट्रिक जब काम कर जाए तो आके वीडियो को मेक श्योर यार गाइस लाइक कर देना और चैनल से कनेक्टेड रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। एक दोस्तों एक रिक्वेस्ट भी थी मेरी आप सबसे, अभी घातक TSMN घातक हो गया मैक्सटन, ये सब एक ट्वीट चला रहे हैं हैशटैग रिकॉग्नाइज ई स्पोर्ट इन इंडिया। सो गाइस उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट है गाइस आप उस ट्वीट को ज़्यादा से ज़्यादा रिट्वीट करें ताकि इंडिया में भी ई स्पोर्ट को रिकॉग्नाइज किया जाए। काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है बहुत सारे गेमर्स की तरफ से, आप कोई भी गेम खेलते हो गाइस, आपका फ्रेंड भी कोई भी गेम खेलता हो, लेकिन गाइस ई स्पोर्ट हर गेम के लिए बनेगा, ठीक है गाइस। सो आप अपने फ्रेंड से भी बोल के उस ट्वीट को ज़्यादा से ज़्यादा रिट्वीट करवा देना। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक तो आप कर ही चुके होंगे, नहीं किया होगा तो ट्रिक फॉलो करने के बाद लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बिकॉज मैं ऐसी ट्रिक टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए लाता रहता हूँ। सो गाइस सी यार, टेक केयर, एंड क्या कहते हैं हमारे ओशन भैया, पीस आउट।